हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैडकेम क्लासेस में। आई होप आप देश दुनिया में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और सेफ्टी के सारे मेजर्स को अपना रहे होंगे। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये केमिस्ट्री का नहीं है, एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 की। ओके, कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और हम यानी इंडिया कहां स्टैंड कर रहे हैं इस कोरोना वायरस से लड़ाई में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि मैडकेम क्लासेस ने इस लॉकडाउन तक अपने सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ किया हुआ है। ठीक है, 50% का ऑफ चल रहा है और ये कोर्सेज हैं CSIR नेट जून 2020, IIT JAM 2021 और गेट 2021। इन कोर्सेज पे आपको 50% ऑफ मिलेगा ऑनलाइन कोर्सेज पे। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर से मैडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपको दिए गए नंबर्स पे आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इससे जो है आप कोर्स परचेज कर पाएंगे और घर बैठे अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये कोरोना वायरस है ये मानवता के लिए क्या भाई एक महामारी बन के आया है और मानवता के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन के आया है, जिसमें अब तक देखिए जो है 5,85,000 केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं इन्फेक्शंस के। और ये केसेस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो ये केसेस जो है 6,00,000 से ऊपर पहुंच चुके होंगे। तो 6,00,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हो चुके हैं और लगभग 27,000 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है इस कोरोना वायरस से। ये कोरोना वायरस लगभग 180 से ज़्यादा कंट्रीज में फैल चुका है वर्ल्ड वाइड और ये एक पैंडेमिक बन गया है। पैंडेमिक बोलते हैं जो कि बहुत सारी कंट्रीज में एक बीमारी बहुत ही लार्ज स्केल में फैल जाए तब। ओके, हालांकि इससे 1,31,000 लोग रिकवर भी कर गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये किस तेजी से बढ़ रहा है कि जो दुनिया में जो 1,00,000 लास्ट केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो सिर्फ 1.5 डेज में रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, तो इनिशियली इसका मतलब स्लो था ये ट्रांसमिशन, लेकिन अभी बहुत तेजी से ये फैल रहा है। ठीक है, और पूरी दुनिया को इसने चिंता में डाल रखा है, लोग परेशान हैं। ठीक है, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया भर की इकोनॉमी जो है यहाँ पे तबाह हो चुकी है। ओके, और दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन लॉकडाउन में है, यहाँ तक कि इंडिया एक जैसी बड़ी कंट्री जिसमें 135 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं वो भी कंप्लीट लॉकडाउन पे चल रहा है। तो ये बहुत ही एक समस्या की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले इनिशियली स्टार्टिंग से कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कोरोना वायरस क्या है, जब हम नाम कोरोना वायरस सुनते हैं तो कोरोना वायरस क्या एक सिर्फ वायरस का नाम नहीं है, कोरोना वायरस एक क्या है, ग्रुप ऑफ वायरसेस है। ग्रुप ऑफ वायरसेस को कोरोना वायरस बोलते हैं। और ये होता क्या है, ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे पिक्चर में देखिए। यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियस, इसमें क्या है ये, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है इनसाइड। ठीक है, जो कि आरएनए है और यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं जो आपको येलो टाइप से दिख रहा है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है और इस जेनेटिक मटेरियल को एक इन्वलप कवर करता है। ये जो आपको रेड सर्कल दिख रहा है ये क्या है, ये इन्वलप है जो इस जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है। और यहाँ पे जो आपको ये पिंक दिख रहे हैं स्पाइक्स, ओके, तो ये पिंक स्पाइक्स जो हैं ये प्रोटीन के स्पाइक्स हैं। ओके, और ये प्रोटीन स्पाइक्स हैं। और यहाँ पे जो इसका एक ओवरऑल लुक मिलता है वो एक क्राउन की तरह मिलता है। कैसा मिलता है भाई, क्राउन की तरह दिखता है। और लैटिन में क्राउन को कोरोना कहते हैं, लैटिन में क्राउन को कोरोना कहते हैं, इसलिए इस वायरस का नाम जो है कोरोना वायरस रखा गया है। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ वायरसेस है। ओके, लेकिन अभी का जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नोबेल कोरोना वायरस, इसका इनिशियल नाम दिया गया था, इसको नोबेल कोरोना वायरस के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये नोबेल कोरोना वायरस जो है इसका ये ऑफिशियल नेम नहीं है। ओके, ऑफिशियल नेम जो इस नोबेल कोरोना वायरस का है वो है भाई SARS-CoV-2 या फिर SARS-CoV-2। ओके, इनिशियली क्या था, जब ये इन्फेक्शन फैला था तो उस समय इसको नोवल कोरोना वायरस नाम दे दिया गया था या फिर nCoV-19 नाम दे दिया गया था। बट अभी रिसेंट में साइंटिस्ट ने इसका जो ऑफिशियल नाम दिया जो कि है SARS-CoV-2। और इसका फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके, और ये एक वायरस है और इस वायरस से जो डिजीज फैलती है, जो इस वायरस से बीमारी होती है, ओके, इस महामारी से जो बीमारी हो, मतलब ये जो महामारी चल रही है इस बीमारी के नाम को बोलते हैं हम कोविड-19, जिसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। ओके, तो यहाँ पे देखिए वायरस और डिजीज के नाम क्या होते हैं भाई, डिफरेंट होते हैं। ओके, जैसे एक वायरस है HIV, तो HIV वायरस है लेकिन बट उससे बीमारी क्या होती है, बीमारी का नाम है एड्स। ओके, तो वायरस और बीमारी के नाम जो है अलग अलग होते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से इसको हम नामकरण इसका मतलब नॉमिनक्लेचर किया जाता है। तो याद रखिए ऑफिशियल नेम क्या है इसका, ऑफिशियल नेम है भाई SARS-CoV-2 या फिर SARS-CoV-2। और इसका नाम SARS-CoV-2 क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके पहले SARS-CoV-1 रहा होगा, SARS-CoV-1 रहा होगा। तो जी हाँ, चूंकि इससे पहले भी एक कोरोना वायरस जिसका नाम SARS-CoV-1 था वो 2003 में चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। ओके, इस SARS-CoV-1 से भी लगभग वर्ल्ड वाइड 8,000 लोग इफेक्ट हुए थे और लगभग 800 लोगों की डेथ हुई थी इस
इस सार्स कोरोना वायरस से। लेकिन ये जो अभी जो है ये सार्स कोरोना वायरस 2 है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा फैटेलिटीज़ और इन्फेक्शंस आ रहे हैं इसके, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये सार्स कोरोना वायरस स्टार्ट कहाँ पे हुआ या फिर नोवल कोरोना वायरस स्टार्ट कहाँ पे हुआ, तो सपोजेडली ऐसा दुनिया का एक मत है, दुनिया ऐसा मान रही है कि ये चाइना का एक शहर है वुहान, ठीक है, और वुहान के वेट मार्केट से ये स्टार्ट हुआ था। इनिशियली जो है चाइना का ये जो वेट मार्केट है वुहान का, वहाँ पे बहुत सारे जो है वहाँ पे जो लोग बेचने वाले हैं या फिर जो वहाँ मार्केट में कस्टमर्स आए थे, उनमें जो है बहुत ही क्लस्टर ऑफ निमोनिया का जो है निमोनिया बहुत सारे लोगों को हुआ, ओके। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहीं से स्टार्ट हुआ है। और ये वेट मार्केट क्या है, तो देखिए वेट मार्केट बोला जाता है उसको चाइना में, जैसे वुहान है तो चाइना में हर जगह कई जगह वेट मार्केट्स हैं। जैसे वुहान वेट मार्केट की बात करें तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें हजारों दुकानें, और वहाँ पे क्या होता है कि सी फूड्स, ठीक है, सी फूड्स और लाइव एनिमल्स को काट के बेचा जाता है। सी फूड जैसे मछली वगैरह हो गई और लाइव एनिमल्स जैसे बहुत सारे एनिमल्स। देखिए चाइना का जो फूड कल्चर है बहुत ही ब्रॉड है, वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज को फूड एज अ फूड जो है कंजम्पशन उसका होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जानवरों को काट के उनका मांस बेचा जाता है, ठीक है, और जानवरों को जहाँ काट के बेचा जाएगा वहाँ बहुत सारा ब्लड स्पिल होता है। तो उस ब्लड को वॉश करने के लिए वहाँ पे हमेशा क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी का यूज होता है। तो वहाँ का जो सरफेस हमेशा वेट रहता है, इसलिए इसका नाम दिया गया वेट मार्केट। बट वो सी फूड और लाइव मतलब लिविंग स्पीसीज का जो वो एनिमल्स का मार्केट है, ओके। नवंबर दिसंबर 2019 में ये चाइना के वुहान के वेट मार्केट से स्टार्ट हुआ था, ऐसा माना जा रहा है, ओके। और देखिए अगर हम इसके बात करें ओरिजिन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो ओरिजिन तो आपको पता चल गया कि सपोज इटली जो है नवंबर दिसंबर 2019 में ये चाइना वुहान के वेट मार्केट से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ से ये दुनिया भर में जो है फैला, ओके। और कोरोना वायरस आता कहाँ से, आता कहाँ से, तो कोरोना वायरस जो है भाई ये मेनली एनिमल से आते हैं, ठीक है, पहले एनिमल से ह्यूमन में आते हैं, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन इनका ट्रांसमिशन होता है। जैसे अगर मैं कोरोना वायरस के दो टाइप्स की बात करूँ, तो जैसे कि सार्स कोरोना वायरस जो कि फैला था कहाँ पे, चाइना में 2003 में, ये मेनली एक टाइप की कैट, सीवेट कैट जिसको बोलते हैं, उससे ये फैला था, ठीक है, पहले इस सीवेट कैट से ह्यूमन में आया, फिर ह्यूमन से वो ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ था, ओके। इसी तरीके का और एक और कोरोना वायरस जिसको मर्स कोरोना वायरस या फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, ये 2012 में सऊदी अरेबिया में ओरिजिनेट हुआ था, जो कि मेनली किससे फैला था, ये कैमल से फैला था। तो ये एनिमल से कहाँ आते हैं, ह्यूमंस में आते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिल ओवर, ह्यूमन से ये सॉरी एनिमल से ये ह्यूमन में स्पिल ओवर होता है इसका। बट ये जो रिसेंट में सार्स कोरोना वायरस 2 या फिर नोवल कोरोना वायरस जो चल रहा है, इस ये किस एनिमल से आया है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। बट अभी तक की जो स्टडीज बताती हैं, ऐसा बताती हैं कि वो आया है चमगादड़ या फिर बैट से आया है ह्यूमंस में। पहले किसी एनिमल ने किसी बैट को इन्फेक्ट किया, फिर वो बैट से जो है ह्यूमन में आया है, बट ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। अब बाद में जब अब दुनिया इससे निपट ले, तो फिर बाद में रिसर्च होगा तो पता चलेगा वो किस एनिमल से आया है। तो अगर कोई आपसे कहता है ये सांप से आया है, चमगादड़ से आया, इससे आया है, तो ये सिर्फ एक संभावनाएं हैं, ये कंफर्म नहीं है, ओके। तो ये रहा सार्स को कहां से ओरिजिनेट हुआ, ओके, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ये स्प्रेड करता है, ट्रांसमिशन होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं कोविड 19 के, तो देखिए तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बता रखा है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं मेनली फीवर होंगे, आपको थकान महसूस होगी और आपको एक ड्राई कफ आएगा, ठीक है, और कुछ पर्सन्स को जो है मतलब जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको पेन हो सकता है, नसल कंजेक्शन हो सकता है, नाक बह सकती है या फिर उनको डायरिया हो सकती है, ठीक है। और ये जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, इनिशियली बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही माइल्ड होते हैं, और धीरे धीरे ये इंक्रीज करते हैं। बट यहाँ पे देखिए एक अच्छी बात की, अच्छी बात तो नहीं कह सकते, बट ये है कि इसमें जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, जो 80% जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, इनको किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है 6 में से जो जितने इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो 6 में से एक जो इन्फेक्शन वाला पर्सन है वो सीरियसली इल हो सकता है, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको वेंटिलेटर्स और इन सब की जरूरत पड़ेगी। बट 80% पीपल जो है इससे बच जाएंगे, उनको किसी मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मेनली जो ओल्डर पीपल हैं, ठीक है, ओल्डर पीपल हैं उनको ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, और ओल्डर पीपल जो है इसके सबसे ज़्यादा मतलब शिकार हो रहे हैं, ठीक है, और डेथ भी जो है सबसे ज़्यादा ओल्डर पीपल की हो रही है। और ओल्डर पीपल क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए उनके उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, और बहुत ही उनमें और भी बीमारियां मतलब मेडिकल कंडीशंस उनकी और भी पहले से ही होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये ओल्डर पीपल में होती है। तो इनको ये इजीली इन्फेक्ट कर देता है कोरोना वायरस या सार्स कोरोना वायरस 2, और उनके लिए प्रॉब्लम की बात हो जाती है।
बाकी देखिए देश दुनिया में बहुत अफवाहें चल रही हैं कि इसका कोई वैक्सीन ड्रग या ट्रीटमेंट है क्या, ठीक है। हालांकि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, यहाँ पे बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं कि ये कर लो ये इलाज हो जाएगा, ये कर लो ये इलाज हो जाएगा। तो देखिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सीधा कह दिया है कि SARS कोरोना वायरस का जो अभी तक कोई इलाज नहीं है, ठीक है। जो सबसे बड़ा इसको इलाज यही है कि हम बस उनको क्या सपोर्टिव केयर देते रहें जो इन्फेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो पेशेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे है कि एक्चुअली जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट किए जा रहे हैं तो ऐसी बात नहीं उनको कोरोना वायरस की दवाई दी जा रही है, क्योंकि दवा तो है ही नहीं, उनको बस स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। जैसे मान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द लोगों जो प्रॉब्लम आ रही है वो ही उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फेफड़ा जो है सही से काम नहीं करते, लंग सही से काम नहीं करता है, तो वहां पे उनको क्या भाई ऑक्सीजन दिया जा सकता है वेंटिलेटर पे, तो इस टाइप के बस सपोर्टिव केयर दिया जा रहा है, ठीक है। कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, ओके। वैक्सीन और दवाई जो है मतलब उसको डेवलपमेंट में है, अभी देश दुनिया के साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी आ जाए, बट अभी तक ये आशा की जा रही है कि जो वैक्सीन आने में 1.5 से 2 साल टाइम लगेगा, तो इस टाइम तक कोई दवा नहीं है। यहाँ पे बस जो इसका सपोर्टिव केयर और जो है खुद को इस बीमारी से बचाए रखना, सेल्फ क्वारंटाइन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, यही इसका उपाय है, ओके। और सबसे सही तरीका क्या है, यहाँ पे जो प्रिकॉशंस हम अपना सकते हैं वो है कि अपने हाथ को रेगुलर आप यहाँ पे धोते रहिए। अगर आपको कफ या स्नीज या छींकना आता है तो आप क्या करिए, उसको कवर कर लीजिए कपड़े से, या फिर जो है आपके एल्बो को फोल्ड करके, कोहनी को फोल्ड करके उसको कवर कर लीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, ठीक है, लोगों से भी और एनिमल से भी, ठीक है। और जो भी आपको बीमार लगता है उससे आप बच के रहिए, उससे एटलीस्ट 3 से लेके 6 फीट मतलब 1 से लेके 2 मीटर की दूरी आप वहाँ पे बनाए रखें। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है हर जगह अप्लाई होना चाहिए, चाहे वो आप दुकान पे राशन लेने जा रहे हैं, चाहे आप दूध लेने जा रहे हैं, चाहे किसी भी आप इसेंशियल वर्क से जा रहे हैं, और बिना इसेंशियल वर्क के आप घर से बाहर मत निकलिए, जो कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर रखा है उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करिए, यही उपाय है अभी। बाकी देखिए ये जो वायरस है ये डिफरेंट स्टेजेज होते हैं इसके स्प्रेड होने के, तो इस स्टेजेस को हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं। देखिए इसको जो है 4 स्टेजेस में बांटा गया है, जो भी कोई महामारी जो फैलती है तो उसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं, महामारी या फिर एपिडेमिक। देखिए स्टेज 1 होता है कि जब आप किसी कंट्री में जैसे पहला केस रिपोर्ट हो तो वो कंट्री स्टेज 1 में चली जाती है, ओके। जैसे मान लीजिए चाइना में है, तो चाइना में तो मेनली कहां से आया, वो माना जा रहा है कि वो एनिमल से ह्यूमन में आया, तो जैसे ही एनिमल से ह्यूमन में पहला इन्फेक्शन आया तो चाइना स्टेज 1 में चला गया है। अगर बाकी सारी कंट्री जैसे इंडिया की माने तो इंडिया में कहां से वायरस आएगा, बाहर का कोई जो पर्सन इन्फेक्ट हुआ वो लेके इंडिया में आएगा, तो अगर कोई भी बाहर से इन्फेक्टेड पर्सन इंडिया में आता है, ठीक है, तो वहां से इंडिया का स्टेज 1 काउंट होना शुरू हो जाएगा, ओके। तो यहां पे क्या है, स्टेज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहां पे हम उसको रोक सकें। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि आदमी सिर्फ बाहर से मतलब कंट्री में आता है तो वही सिर्फ एक इन्फेक्टेड, या फिर जो लोग बाहर से इन्फेक्टेड आ रहे हैं वही इन्फेक्टेड है, अभी कंट्री का कोई इन्फेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग मेजर्स इनिशियली ही अपना लें, लोगों को एयरपोर्ट पे ही रोकना शुरू कर दे, उनकी जांच शुरू कर दे, उनको वहीं से आइसोलेट कर दे जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, तो यहाँ से महामारी को रोका जा सकता है, ठीक है। बट ये कोरोना वायरस को दुनिया क्यों नहीं रोक पाई, तो दुनिया इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि देखिए बहुत सारे आरोप लग रहे हैं चाइना पे कि चाइना ने 2-3 महीने तक इसको दबाए रखा, ठीक है, कि यहाँ पे कोई वायरस है ही नहीं, ओके। यहाँ तक कि ये भी बात की जा रही है कि WHO ने भी चाइना को सपोर्ट किया और WHO भी कंप्रोमाइज हुआ, WHO ने भी शुरू में सही जानकारी नहीं दी। WHO शुरू में भी कहता रहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसके कनेक्ट मतलब स्प्रेड होने के अभी तक कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, और चाइना ने भी सारी खबर इनिशियली छुपाई रखी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और इनिशियली जो खबर दुनिया को पता नहीं चली तो उससे क्या हुआ, जो चाइना में लोग इन्फेक्टेड थे वो अदर कंट्रीज में गए, ऐसा मान लीजिए चाइना कोई इटली में गया तो इटली वाला इन्फेक्ट हुआ, और इटली वाला इंडिया में आया तो यहाँ से इंडिया में इन्फेक्शन आया। तो इसलिए जो है इनिशियली जो है इसको रोकने में नाकाम रही, हर जगह जो है कुछ ना कुछ लोग पहुंच गए इन्फेक्टेड पीपल, ओके। तो ये था स्टेज 1। तो स्टेज 1 पे हम जो है जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोक के ही हम कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी को। बाकी स्टेज 2 क्या होता है, स्टेज 2 ये होता है जैसे मान लीजिए एक आदमी बाहर से बीमारी लेके इंडिया में आया, ठीक है, तो उसके जो आसपास जो करीबी लोग होंगे जिनसे वो मिलेगा वो उन लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो ये स्टेज 2 है जिसमें एक लेयर इन्फेक्शन का और बढ़ जाता है। एक तो आदमी जो बाहर आया और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो उसके डॉक्टर से मिल रहा है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ तक स्टेज 2 काउंट किया जाता है, जो उसके क्लोज्ड हो वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक भी बीमारी को रोकना पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इन्फेक्ट हो गया, ठीक है, तो मैं मेरे से लोग पूछेंगे कैसे इन्फेक्ट हुए, तो मैं बताऊंगा कि ये जो है प्रॉब्लम, जैसे मेरा कोई रिलेटिव जो कि बाहर से आया है वो इन्फेक्टेड था तो उससे मुझे हुआ। तो एक पर्सन जो बाहर से बीमारी लेके आया है और इससे जितने लोग मिले हैं अगर उनको हम आइसोलेट कर दें तब भी इसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टेज 2 काउंट होता है। बाकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है स्टेज 3 से।
हालांकि देखिए इंडिया को अभी माना जा रहा है कि इंडिया हमारा जो स्टेज टू में ही है, स्टेज टू में ही है कि बाहर से लोग आए थे और वो अपने करीबी लोगों को फैलाए हैं, ठीक है, कि मोस्टली केसेस वही मिल रहे हैं जिनका कनेक्शन या तो बाहर से आए हैं या फिर वो बाहर से जो लोग आए हैं उनकी फैमिली से हैं, ठीक है, अब्रॉड से जो आए हैं, तो स्टेज टू में है। तो स्टेज टू में रोकने के लिए ये है कि सेल्फ क्वारंटाइन कर लीजिए खुद को, तो आप यहाँ पे स्टेज टू में रुक सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम की बात शुरू हो जाती है स्टेज थ्री से। स्टेज थ्री का नाम दिया जाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ओके, यहाँ पे क्या कि अगर आप स्टेज टू तक प्रॉब्लम को नहीं रोक पाए तो ये उन लोगों तक बीमारी पहुंच जाएगी जो ना तो कभी बाहर गए हैं और ना तो ऐसे लोग से मिले हैं जो बाहर से आए हैं। तो जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है यहाँ से बीमारी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से पूछेंगे तो उसकी कोई रिसेंट हिस्ट्री नहीं रहेगी फॉरेन ट्रेवल की या फिर ऐसे किसी पर्सन से मिलने की जो कि बाहर से आया हो, तो यहाँ पे आप ट्रेस करना बीमारी को मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइक सिंगापुर, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये सब क्या है या फिर कह सकते हैं अभी यूएसए भी जो है स्टेज थ्री से गुजर रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है। ओके, बाकी इंडिया अभी स्टेज थ्री में नहीं पहुँचा है ऐसा माना जा रहा है। बाकी जो इसकी जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है स्टेज फोर, ठीक है। स्टेज फोर में इसको महामारी का नाम दे दिया जाता है, स्टेज थ्री में इसको हम एपिडेमिक बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रूप में ये इन्फेक्ट हो चुके होते हैं पीपल, इवन कई कंट्रीज में भी इन्फेक्ट हो चुके होते हैं पीपल, और यहाँ पे ट्रेस कर पाना कि बीमारी कैसे आई इसको मुश्किल हो जाता है और ये फैलता ही जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे चाइना है वो स्टेज फोर में ऑलरेडी पहुँच चुका है। ओके, तो ये स्टेजेज हैं और इनको रोकने के उपाय मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे फैलता है, तो जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये कफ, स्नीजिंग या फिर जैसे मैं जैसे अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन इन्फेक्ट होके आया तो उसकी खांसी से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे या छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे वो अदर पर्सन पे जाएंगे और उसको वो बीमार कर देंगे। या फिर जो है जैसे इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी ऑब्जेक्ट को छुआ हो और उस पर वायरस छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए स्विच हो गया, तो स्विच कोई इन्फेक्टेड पर्सन कोई स्विच ऑन करता है तो वहाँ पे वायरस छोड़ देगा, और कोई दूसरा पर्सन उस स्विच को फिर से ऑन करने जाता है तो उसके हाथ में वायरस लग जाएगा और फिर वायरस अगर उसने अपने मुंह को छू लिया तो वो एंटर कर जाएगा बॉडी में, ठीक है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब, हाथ मुंह को ढक के रखना, ये सब इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जब कोई महामारी फैलती है तो उसका मोर्टैलिटी रेट कैलकुलेट किया जाता है। मोर्टैलिटी रेट क्या होता है कि 100 लोग अगर इन्फेक्ट हुए हैं तो उसमें से कितने लोगों की डेथ हो रही है, ओके, कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो इस मार्च 3 तक जो है, जो WHO है, इसने इसकी मोर्टैलिटी रेट इस कोरोना वायरस की 3.4 बताई थी कि अगर 100 लोग इन्फेक्ट होते हैं तो उसमें से 3.4 लोग की जो है डेथ होगी, ओके, या डेथ हो चुकी है, अगर जितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं उसमें 3.4% की डेथ हो चुकी है। बट अभी एक स्टडी आ रही है कि इसका जो मोर्टैलिटी रेट रहेगा टेंटेटिव वो क्या रहेगा, 3% के अराउंड रहेगा, मतलब अगर 100 लोग इन्फेक्ट होंगे तो उसमें 3 लोगों की डेथ होने के चांसेस हैं, ओके। अब देखिए अगर ये जो फैटेलिटी रेट या फिर जो डेथ हो रही है लोगों की, अगर हम इसको एज वाइज बांटें कि मतलब एज वाइज इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, तो उसका देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 50 साल तक के लोग हैं, 40 से 49 साल तक का व्यक्ति है, तो वो क्या हो सकता है, पुरुष या महिला, तो वहाँ तक मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 0.4% है। अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ 32 to 39 ईयर्स तक की, तो यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट क्या है, 0.2% है। मतलब अगर क्या है कि अगर 40 ईयर तक का, अगर 30 से 40 ईयर का के 100 लोग बीमार होते हैं तो उसमें से 0.2% चांसेस हैं कि 0.2% पीपल क्या होंगे, उनकी डेथ हो सकती है। बट जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है इसके खतरे बढ़ने लगते हैं। जैसे अगर 70 से 80 साल या फिर 70 to 79 ईयर्स का अगर पीपल अफेक्ट होते हैं 100 पीपल, तो उनमें से 8 पीपल के चांसेस हैं कि उनकी डेथ हो जाएगी। और अगर एज 80 प्लस है तो 80 प्लस जो ओल्डर्स हैं उनके लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसमें डेथ रेट कितना है, 14.8% है। और जो है चाइल्ड जो है, जो चिल्ड्रन है 0 to 9 ईयर के, उनमें कोई डेथ नहीं होगी, ठीक है, वो इन्फेक्शन को जो है झेल जाएंगे, उनमें से कोई डेथ नहीं होगी, ओके। तो इसलिए देखिए ओल्डर पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ओके। अब इस मोर्टेलिटी रेट के बाद आ जाते हैं कि दुनिया कहाँ खड़ी है इस कोरोना वायरस से लड़ाई में। तो देखिए जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6 lakh या 6 lakh लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, लगभग 27,000 डेथ्स हो चुकी हैं। अगर हम इसको अगर कंट्री वाइज देखें तो यूएसए, देखिए यूएसए पहले बहुत पीछे था लेकिन अभी जो है इसने सबको क्रॉस करते हुए ये लीड कर रहा है इन्फेक्शंस को, ओके। यूएसए में 1 lakh से ज़्यादा इन्फेक्शंस हो चुके हैं। उसके बाद इटली है, इटली में लगभग 87,000 इन्फेक्शंस हो चुके हैं और इटली में लगभग 9,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। इटली में डेथ रेट्स रेगुलर बढ़ रहे हैं, अभी पिछले दिन ही जो है एक दिन में लगभग 1,000 लोगों की डेथ हुई है इटली में, ठीक है। और यूएसए में भी अभी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं।
तो देखिए, चाइना ने खुद को काफी हद तक कंट्रोल यहां पे कर लिया है। उसके बाद वो स्पेन मोस्ट अफेक्टेड है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड, टर्की, कनाडा, पोर्तगल। ओके, तो देखिए यहां पे क्या है, मैं यहां से ये जो इन्फेक्टेड कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन है, यहां से काफी सारी एनालिसिस आ रही है। ओके, और यहां पर देखिए सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है। बाकी इंडिया कहां स्टैंड करता है, तो इंडिया में अभी तक जो है लगभग 887 केसेस आए हैं और लगभग 20 डेथ्स हुई है। तो यहां पे जो है क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे इंडिया में जो है इतनी पॉपुलेशन है, फिर भी जो यहां पे इन्फेक्शन है ये इतने कम क्यों हैं। ओके, इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है फिर भी इन्फेक्शन यहां पे इतने कम क्यों हैं। और यहां पे अगर आप इन कंट्रीज को देखें, यूएसए, इटली, चाइना, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज क्या है, ये सब वन ऑफ द रिचेस्ट, मतलब ये रिचेस्ट कंट्रीज हैं दुनिया की, जहां पे बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम पाया जाता है। तो ये कंट्रीज सबसे बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम रखती हैं दुनिया में, फिर भी यहां पे इतने इन्फेक्शंस हैं। और इंडिया में जो है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उनके कंपेरिजन में पुअर है, और यहां पर इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, फिर भी केसेस इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो यहां पे जो है इसको एनालाइज हमें करना होगा कि ये फैल गया, बट ये यहां पे इतना ज्यादा दिख रहा है डाटा, और इंडिया का जो है डाटा इतना कम है। तो इसका रीजन जो है, अभी तक स्टडीज ये बताती हैं कि इसका रीजन है नंबर ऑफ टेस्ट। हम कोरोना वायरस के लिए कितने टेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यूएसए में जो है इनिशियली इन्फेक्शंस बहुत कम थे, यूएसए जो है स्पेन वगैरह से भी बहुत पीछे था, ठीक है। बट हुआ क्या, इनिशियली हुआ क्या था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने भी कोरोना वायरस को बहुत ही लाइटली लिया, और मार्च के इनिशियल मार्च में भी जब उनसे पूछा जाता था कि कैसा चल रहा है कोरोना का सीन, क्या है वहां पे अमेरिका में, तो बोलते रहे कि सब कुछ कंट्रोल में है, और वो लाइटली लेते रहे। लेकिन जब बाद में पता चला कि पानी सर से ऊपर हो चुका है, तो यूएसए भी बहुत सख्ते में आया और उसने बहुत ही रिग्रस टेस्टिंग शुरू करवाई, बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही यूएसए में। तो इसीलिए यूएसए में जब टेस्टिंग ज्यादा शुरू हो गई थी, वहां पर क्या होगा, मतलब जो ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा केसेस मिलने लगे और यूएसए देखिए टॉप पे चला गया। इसी तरीके से इटली हो गया, स्पेन हो गया, इनमें क्या है, टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा रिग्रस टेस्टिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे केसेस जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में केसेस कम होने का जो कारण बताया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, इंडिया जो है टेस्टिंग नहीं कर रही है। अल जजीरा या हर जगह ये रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया की पुअर टेस्टिंग जो है, जो इस इन्फेक्ट जो नंबर ऑफ केसेस है उसको कम कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, बट अभी इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी मतलब फुल कैपेसिटी में आने की कोशिश कर रही है, ताकि इंडिया में भी टेस्टिंग शुरू हो जाए। और अब हाल में इंडिया में भी केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि टेस्टिंग जो है यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई है। अगर मैं कंपेयर करूँ कि हम टेस्टिंग में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो ये एक देखिए ग्राफ है जो ये बताता है कि पर मिलियन पॉपुलेशन में जो है कितने टेस्ट किए जा रहे हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर मिलियन पॉपुलेशन, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो पर 10 लाख पॉपुलेशन में कितने टेस्ट हैं, तो सिंगापुर, साउथ कोरिया, इटली, इन सब में बहुत ज़्यादा रिग्रेस टेस्टिंग हो रही है, यहाँ 7,000, यहाँ 6,000, यहाँ 5,000 के करीब टेस्टिंग हो रही है पर मिलियन पॉपुलेशन। और यहाँ पे देखिए हम इंडिया में टेस्टिंग जो है पर मिलियन पॉपुलेशन कितनी कम है, 18 है। तो इतना अगर पॉपुलेशन इतनी है कंट्री, अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो केसेस हमें ज़्यादा पता नहीं चलेंगे। बट गवर्नमेंट अभी टेस्टिंग फुल कैपेसिटी में ले आ रही है, और टेस्टिंग होगी तो ऑब्वियस है कि इंडिया में भी केसेस जो है अभी बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब इसका उपाय क्या है, अब कंट्री एक उपाय क्या कर सकती है कोरोना वायरस से बचने के लिए, कि वो लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दे कि आप मूवमेंट मत कीजिए, लोगों से कॉन्टैक्ट में मत आइए, ठीक है। तो उसका एक तरीका है लॉकडाउन, ठीक है। लॉकडाउन कंट्री जब इम्पोज करेगी, इसका मतलब क्या, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो उस केस में क्या होगा, इसका स्प्रेड थोड़ा कम होगा, ठीक है, कुछ टाइम लिमिट के लिए। तो क्या टोटल लॉकडाउन जो है ये इलाज है कोरोना के स्प्रेड को रोकने के लिए? ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली टोटल लॉकडाउन जो है रियल मायनों में थोड़ा बहुत कम कर सकता है स्प्रेड को, बट ये कुल मिला के हमें टाइम देगा, कुछ उस स्प्रेड को कुछ देर के लिए रोक देगा, ताकि गवर्नमेंट को टाइम मिले और जो भी मीजर्स हैं, जो भी स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट अपना सके, ताकि स्प्रेड अगर बढ़ता है तो उससे कैसे टैकल करेगा। तो टोटल लॉकडाउन का ये मतलब है प्राइमरी की टाइम मिले प्रिपरेशन करने के लिए, और थोड़ा स्प्रेड का जो है टाइमिंग कम हो, ठीक है। बट यहां पे देखिए जो स्टडीज ये बता रही हैं, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, कि यहां पे कोरोना वायरस केसेस जो है अप्रैल मई में बढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहां पे ये देखिए ये कहा जा रहा है कि अ न्यू रिपोर्ट फ्रॉम जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एंड द सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक एंड पॉलिसी, ठीक है। यहाँ से जो इंस्टीट्यूट से जो स्टडी आ रही है वो ये बता रही है 21 डाउन का लॉकडाउन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा इसके स्प्रेड को रोकने के लिए। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में मिलाकर जो चांसेस हैं
वे 12 करोड़ इन्फेक्शंस के हैं, किसमें? ऑप्टिमम कंडीशन में, ठीक है। ऑप्टिमम कंडीशन क्या है? तो देखिए, जैसे जो स्टडीज होती हैं तो इनमें सारे केसेस को रख के स्टडी की जाती है। एक तो सबसे ऑप्टिमम कंडीशन कि भाई प्रॉपर लॉकडाउन रखा जाए, गवर्नमेंट पूरे कैपेसिटी में काम करे, ठीक है, लोग भी सकते में रहें, तब क्या केस होगा। और जो है एक वर्स्ट कंडीशन रखी जाती है कि लॉकडाउन में जो है बहुत ढील दे दी जाए, लोग भी जो है लॉकडाउन का पालन ना करें, सड़कों पे घूमें, इस टाइप से, तो वो वर्स्ट कंडीशन या फिर ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक कंडीशन मानी जाती है। तो ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन में जो है ये देखा जाता है कि जो लो सिनेरियो होगा वो कितना होगा, 12 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेक्शंस आने वाले हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ओके। और ये देखिए ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कहा है कि जो इनिशियली जो हमें टेस्ट करने चाहिए थे, जो लोग बाहर से आ रहे थे वहाँ पे जो है बहुत कमी दिखी, ठीक है। एयरपोर्ट पे जो स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी उसको हमने इनिशियली मिस कर दिया, ओके। और वहाँ से जो वायरस ये जो कंट्री में जो है इंटर कर गया बहुत तेजी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा मतलब आपको डराना नहीं है, मैं यहाँ पे आपके सामने जो स्टडीज है उसको रख रहा हूँ, मैं अपना कोई मत यहाँ पे नहीं रख रहा। तो यहाँ पे स्टडीज मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और जो वो बता रहे हैं कि मतलब ये स्प्रेड इंडिया में होगा, ठीक है। हाँ, बट ये है कि अगर हम गवर्नमेंट फुल मेजर्स में काम करे, लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाएं, जो लॉकडाउन है उसका पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, तो ये काफ़ी हद तक मतलब कम हो सकता है, ओके। बट क्या है, हमें जो है खुद की सेफ्टी के लिए जितने मेजर्स गवर्नमेंट दे रही है उसको पूरे तरीके से पालन करना है, तब हम बचे रहेंगे, ठीक है। और बाकी ये तो मान लीजिए लॉकडाउन का एक तो ये रहा कि मान लीजिए स्प्रेड को थोड़ा टाइम मिल जाएगा फैलने से, बाकी एक इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देखिए IMF चीफ ने कहा है कि हम ग्लोबल रिसेशन में एंटर कर चुके हैं। ग्लोबल रिसेशन क्या होता है कि दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है, इकोनॉमी एकदम मतलब तबाह हो गई है दुनिया की, ठीक है। जो 2008-09 में ग्लोबल रिसेशन आया था, इससे भी बुरा होने वाला है, ओके। तो इसलिए इकोनॉमी पूरी ये तबाही पे चल रही है, ठीक है। और लॉकडाउन में सबसे बड़ा क्या है कि जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, तो इंडिया में क्या है, बहुत बड़ा फ्रैक्शन जो है पॉपुलेशन का वो डेली वेज लेबरर है, मतलब वो रोज कमा के खाने वाले बहुत लोग हैं इंडिया में, बहुत बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस तो लॉकडाउन से जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर हम बहुत ज़्यादा मान लीजिए 2-3 महीने का अगर लॉकडाउन होता है तो जो डेली कमा के खाने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए है कि अगर लॉकडाउन को और फर्दर बनाए रखना है और फर्दर टाइम लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मेजर्स अपनाने होंगे। ये इंश्योर रखना होगा कि हर आदमी तक राशन पानी ये सब पहुँचे, किसी भी गरीब की डेथ ना हो, जो डेली वेज लेबरर हैं उनको भी राशन पानी मिले, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट अभी पैकेजेस भी रिलीज कर रही है, बाकी देखना होगा कि पैकेजेस कितने इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट फुल कैपेसिटी में है, जो भी गवर्नमेंट से बन पड़ेगा गवर्नमेंट करेगी, बट ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी जिम्मेदार हों यहाँ पे, ओके। तो इसलिए है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के लिए, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन अगर फर्दर होता है तो उसको सस्टेन कैसे करेंगे, ओके। तो ये थी अभी तक की रिपोर्ट, ठीक है। दुनिया में देखिए केसेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अभी वैक्सीन है नहीं, ओके। तो यहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन की रही है, ये मेन जो है इलाज है इसका, ओके। और बाकी जो है हमारी जिम्मेदारी क्या है इस टफ टाइम में, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की यूथ है, ठीक है, और यूथ को इस वायरस से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। बट अगर हम ये सोच लें कि हम तो यूथ हैं, अगर हम इन्फेक्ट हो भी जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत है। गलत इन द सेंस इसलिए है कि अगर मान लीजिए मुझे वायरस मान लीजिए मेरे बॉडी में आ गया, ठीक है, मुझे हल्के सिम्टम्स हैं लेकिन मुझे पता है सर्दी खांसी ये ठीक हो जाएगा या फिर ठीक हो भी रहा हूँ मैं, बट क्या है कि मैं वायरस का एक कैरियर हूँ, मैं वायरस बाकियों तक पहुँचाने का काम करूँगा ही करूँगा, ओके। और मान लीजिए मैं भी अगर किसी यूथ को देता हूँ वायरस तो वहाँ पे भी चांसेस हैं वो ठीक हो जाएगा, बट अगर मैं किसी ओल्डर पीपल मेरे घर में कोई बूढ़ा आदमी या किसी बूढ़े आदमी को मैं वायरस दे देता हूँ तो उसके लिए ये तो जीने मरने पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कुल मिला के वायरस कैरियर मत बनिए, ठीक है। इसके लिए जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको फॉलो आप मतलब स्ट्रिक्टली आप उसको अप्लाई करिए, घर में रहिए, ठीक है, घर में रहिए और अपने हाथों को रेगुलर धोते रहिए, और जो बाहर आप जो भी टाइमिंग दिए राशन वगैरह लेने के लिए तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, बाहर से सामान लेके आइए तो तुरंत हाथ धोइए, ओके। और जो है पैनिक बाइंग आप मत करिए, यानी कि आप दुकान पे जाके 4 महीने का राशन एक साथ ले आए, ऐसा मत करिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो है फुल मेजर्स अपना रही है, जो सप्लाई चेन है उनको पूरा एकदम दुरुस्त कर रही है कि राशन हर जगह पहुँचता रहे, ठीक है, तो राशन की कोई कमी नहीं आने वाली है, कहीं भी जरूरी चीज़ें हमेशा मिलती रहेंगी, तो पैनिक बाइंग मत करिए, ठीक है। और अननेसेसरी लोगों से
और जो है एनिमल से डिस्टेंस बनाए रखिए, और साथ ही साथ आपके आसपास जो है अगर जो भी एनिमल है, एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी, उनको खाना वाना नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा खाना बचता भी है तो आप उसको धीरे से दरवाजे पर रख दीजिए, आसपास का एनिमल आके खा लेगा, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सक्षम है तो आपके आसपास अगर लगता है कोई गरीब है तो उसकी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आगे अपडेट आती रहेगी तो मैं आपको कोरोना वायरस पे अपडेट रखता रहूँगा, ठीक, अपडेटेड रखता रहूँगा। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।